छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। तो आज हम बच्चों 12वीं का अभ्यास करते हैं। हम पाठ चार में स्वर और उनकी मात्राएं समझ चुके हैं। उसके लिए कुछ संबंधित में आपको आज टिप्पणी भी आपको मैं बताना चाहूँगी। बच्चों आज हम 12वीं का अभ्यास पहले कर लेते हैं। तो आइए 12वीं का अभ्यास है। ये क्या है? क का क्यों है? ये आप सुनते हैं का क्यों है? क्योंकि ये क अक्षर क है, स्वर अक्षर क है, इसको आगे मात्रा है, इसीलिए ये क्या है? का होता है, है? तो इन्हीं स्वरों के मात्राओं से ही ये 12वीं खड़ी होती है। बच्चों 12वीं खड़ी ये हम किताब पुस्तक पढ़ने का पहली स्थिति है, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे कि अब देखो का मैंने आपको स्वरों की मात्रा समझाने का ये मैंने आपको समझाया था, फिर एक बार बोल रही हूँ। का ग कागज। तो ऐसे ही 12वीं खड़ी के कुछ अक्षरों को उनके स्वरों की सहायता से हमें शब्द रचना कर सकते हैं। तो हम पहले हमको क्या करना है, अब 12वीं खड़ी का अभ्यास भी सीखना ही है। Go.
देखो बच्चों, रू की जो मात्रा है वो ये है, बारह घड़ी में
नीचे न। यहाँ पे देखो बच्चों, हम री की मात्रा बारह छत्र आदि वर्णों के साथ नहीं लगती है। वैसे ही र के साथ उ और उ की जो मात्राएं है, उ और उ की मात्राएं क्या है? ऐसा ये उ की मात्रा है, तो इनकी मात्राएं नीचे न लगा। ये था बच्चों, ये टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैंने
विमान है। व्यंजन अक्षर वह है ई की मात्रा है, तो हमको इसी को ही लगाना है। और ये ऑलरेडी मात्रा मात्रा है इसको, ये व्यंजन अक्षर म है, लेकिन इसको ऑलरेडी मात्रा है, बाराकी का मान नहीं है, मान न, तो ये चार को मिला के क्या बन गया, विमान। ठीक है, अब देखो ये क्या है, म है, आई की मात्रा है, ये दा है, ये न। अब हम उसको मिला के लिखना है, शब्द बनाना है, तो आई की मात्रा है, हमें उसको ही लगा दे हैं, मई दा न बन गया। तो हमको इसी तरह शब्द बनाना है। अब देखो ये क है, ऋ की मात्रा है, और ये श है, और ये क है, तो ये हम क्या कैसा लिखना है, ये क को ये ऋ की मात्रा लगा के श। कृषक, समझ में आया, तो अब उसी तरह देखो, अब ये क्या है, भ है, ओ की मात्रा है, ये ज है, ये न, तो हमको एक शब्द बनाना है, तो हम कैसा बनाते हैं, भ को ओ की मात्रा लगाना, भो ज न बन गया ना शब्द। तो इसी तरह ऐसे मात्राओं की सहायता से एक शब्द बनाना है हमको, ये भी हम आज का सीख लिए हैं बच्चों। अब और एक क्वेश्चन देखो बच्चों, उ चंद्र बिंदु, ग ली, अब किसको एक शब्द बनाना है, किस तरह बनाओगे, उ उगली होगा, देखो